हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शान्वी ऑल स्टार। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 24 आवर चैलेंज। फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ 24 आवर चैलेंज, जहाँ पर मुझे मिले हैं, गेस करो कितने? 50 भी नहीं, 100 भी नहीं, 20 भी नहीं, 10 तक नहीं, मुझे मिले हैं 0 रुपीज अपने 24 आवर्स को बिताने के लिए। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने नीचे स्केट्स भी पहन रखे हैं और स्केटिंग वाली ड्रेस भी, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, चाहे स्कूटर से जाओ चाहे कार से, तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो मेरे पास 0 रुपीज है, तो मैं जाने वाली हूँ स्केट से। और फ्रेंड्स, आज का चैलेंज बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि मैं रोड पर पूरे भरे ट्रैफिक में मैंने चलाने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे इसके पीछे भी लिखा हुआ है, प्रदूषण हटाओ और देश बचाओ, क्योंकि गाइस मैं रोड पर बहुत स्केटिंग कर चुकी हूँ, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, और अगला टारगेट हमारा दिल्ली का होने वाला है। तो आप लोग भी, अगर आपको स्केटिंग नहीं आती है, तो आप वॉक करो और थोड़ी थोड़ी सी दूरी में स्कूटर वगैरह मत निकालो। तो अब बातें ना करते हुए चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं अपने चैलेंज की शुरुआत करने के लिए, और मैंने हेलमेट और नी गार्ड्स पहन लिए थे, क्योंकि रोड पर चल रहे हम लोग, हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है। और वैसे फ्रेंड्स, मज़े तो बहुत आ रहे हैं स्केटिंग करने में रोड पर, और अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock। मुझे स्केटिंग करते वक्त लग रही थी बहुत तेज सर्दी, और सुबह सुबह बहुत फॉग भी था, तो मैं अपने लिए जैकेट ले आई थी, तो अब इस जैकेट को पहन लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी स्केटिंग करने आओ रोड पर, तो हेलमेट, हैंड गार्ड्स और नी गार्ड्स का ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे अपना ब्रेकफास्ट ढूंढने के लिए। फ्रेंड्स, क्योंकि स्केटिंग करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए होती है, तो चलिए ब्रेकफास्ट ढूंढने के लिए आ जाओ। फ्रेंड्स, मैं बहुत देर से चल रही हूँ और मुझे कोई दुकान दिख ही नहीं रही है जिसमें मैं अपना ब्रेकफास्ट कर सकूँ, कोई कार्ट भी नहीं है, तो अब देखते हैं हमें कितनी देर बाद ब्रेकफास्ट मिलता है। सो गाइस, मैं फाइनली आ चुकी एक शॉप पर अपने ब्रेकफास्ट के लिए, तो देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ फ्री फूड मिलता है फिर नहीं। भैया, वो आज मेरा चैलेंज चल रहा है, इसमें मुझे 24 आवर्स के लिए बस 0 रुपए मिले हैं, तो आप मुझे कुछ फ्री में दे सकते हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक कचौड़ी एक भी नहीं मिलेगा। वैसे एक का रेट क्या है? एक कितने का है? 8 रुपए का है। फ्रेंड्स, एक भी 8 रुपए का है, तो आज हमारे बजट में भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे सकते आप? नहीं, कुछ भी नहीं। प्लीज, कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर तो भैया ने मना कर दिया है, तो मेरे ख्याल से हमें कहीं और जाना पड़ेगा, तो कहीं और चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो गाइस, ब्रेकफास्ट के लिए फर्स्ट शॉप पर तो रिजेक्शन मिल गया, तो वहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया, और फिर मैं दोबारा निकल गई अपने ब्रेकफास्ट की खोज पर, और मैं चलती गई। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे लोग घूर भी रहे थे। फ्रेंड्स, मेरी तो ब्रेकफास्ट में इतनी मेहनत हो रही है, पता नहीं आगे का चैलेंज कैसे होगा। और गाइस, मुझे वहाँ पर बहुत सारी कार्ट दिख रही है, 4 to 5, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से एक ना एक शॉपकीपर तो तैयार ही हो जाएगा, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं, आ जाओ। जैसे रोड पर स्केट्स चलाने हैं, मज़े तो बहुत आ रहे हैं, और हमारी डेस्टिनेशन आ गई है ब्रेकफास्ट के लिए, यस। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे कैफे हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमें फ्री फूड मिल जाएगा, तो चलिए ट्राई करने चलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं दोबारा एक शॉप पर आ चुकी हूँ, तो अब भैया से मेन्यू मांगते हैं, देखते हैं उसे कितने रुपीज़ का होता है, और यहाँ पर हमें कुछ फ्री फूड मिल पाएगा या फिर नहीं। और अभी टाइम हो चुका है 12:30 हमारे ब्रेकफास्ट के लिए ही, तो आप अंकल से भैया से पूछते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेन्यू। फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स मेन्यू में कुछ भी फ्री का नहीं होता, मिनिमम टू मिनिमम 10 रुपीज़ का तो होता ही है, पर यहाँ पर 15 रुपीज़ की है आलू पेटीज, और स्पेशल पेटीज 20 की,
आलू चीज पेटीज 25 की। तो एक बार भैया से रिक्वेस्ट करके पूछते यहाँ पर जो भी इनके पास सबसे ज्यादा सस्ता होगा वो हमें दे दे। भैया आप मुझे कुछ दे सकते हो? आज मेरा चैलेंज चल रहा है, मुझे 0 रुपीज़ में 24 आवर्स स्पेंड करना है। इसे आज मैं कार वगैरह से स्कूटर वगैरह किसी से नहीं आई हूँ, स्केट से आई हूँ क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया। आप कुछ दे सकते हो? ये मैं तो दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार अंदर से कंफर्म कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? सो गाइज, अब भैया गए थे पूछने अंकल से और फाइनली अंकल ने हाँ कर दिया था। हम दे सकते हैं लेकिन 15 रुपए वाली पेटी दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा की खानी है तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, 15 वाली पेटी दे। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। फ्रेंड्स, अब जाकर मैं बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है, रिलैक्स मिल रहा है। तो इस हेलमेट को साइड कर देते हैं और यहाँ पर आ चुका है हमारी पेटीज। और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और बहुत मुश्किलों के बाद आई है हमारी ये। तो अब इसे खाते हैं। फ्रेंड्स, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, पर ये मीठा नहीं है वैसे, पर टेस्टी बहुत है। फ्रेंड्स, बहुत रिलैक्स मिल रहा है इसे खाकर। 12:30 पर आज मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। बिना पैसे के फ्री फूड खा रहे हम लोग, तो क्यों नहीं मजा आएगा? पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं हुए। तो फ्रेंड, मैं यम्मी से पेटीज को फिनिश करती हूँ और अब डायरेक्ट मिलते हैं लंच टाइम पर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि आगे जाकर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। और मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, की बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं इस वीडियो के लिए। तो चलते हैं अब मेट्रो की तरफ और आप देख सकते हैं यहाँ पर आगरा में भी मेट्रो बन रही है, तो अब चलते हैं। फ्रेंड्स, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल चुकी थी लंच की खोज पर। तो मैं चलती गई और ये रोड बहुत अच्छी थी तो यहाँ पर चलाने में बहुत मज़े आ रहे थे। फ्रेंड्स, अब आगे जाते ही मेट्रो को ख़त्म करने के बाद थी हमारी टर्न, जहाँ पर थी सब्जी मंडी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर हम लोग एंटर हो जाते हैं सब्जी की मंडी पर, जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह की कार्ट्स होती है। फ्रेंड्स, जब मैं रास्ते से आ रही तो यहाँ पर बहुत सारी फ्रूट की कार्ट्स है। तो यहाँ पर मुझे गुआवा वाले दिखे और गुआवा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो देखते हैं वो कुछ हमें फ्री में दे पाते हैं फिर नहीं। एक अंकल, 1 kg कितने? फ्रेंड्स, 30 रुपीज़ है पर kg। तो भैया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक दे सकते हैं फ्री में फिर नहीं। आप मुझे एक अमरूद दे सकते हो फ्री में? फ्री में नहीं, पैसे से आता है। एक एक प्लीज, थैंक यू भैया देने के लिए। और अब चलते हैं लंच की खोज पर, आ जाओ। अभी मैं आ चुकी एक ऐसे कार्ट पर जहाँ पर मैं पहले ईटिंग ओनली मोमोस और 24 आवर्स बना चुकी हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि हमें दे दे। तो एक बार भैया से पूछते हैं देंगे या फिर नहीं, और इन्हें याद आता है कि मैंने बनाई है यहाँ पर या फिर नहीं। अंकल, अब वो आज मेरा एक चैलेंज चल रहा है जहाँ पर मुझे 0 रुपीज़ में 24 आवर्स बिताना है। आप मुझे कुछ फ्री में दे सकते हो? एक दो मोमोज के पीसेस। याद करो पहले मैंने वीडियो बनाया है आपके मोमोज का। हाँ, दे दोगे पक्का? बाद में पैसे तो नहीं मानोगे? खा लिए फिर, मांगना मत। यस भैया मान गया मैं फ्री में मोमोज देने के लिए। सो गाइस, यहाँ पर आ चुके हैं हमारे स्टीम्ड मोमोज जो कि है बिल्कुल बिल्कुल फ्री के। तो अब इन्हें खाते हैं। और सर्दियों के टाइम स्टीम मोमोज खाने तो बहुत मजा आता है। बहुत टेस्टी है गाइस। और फ्री का खाने से किसको अच्छा नहीं लगता? मैं पहली बार ऐसे फ्री का खाना खा लूंगी। अब हम लोग जाते हैं अपने मिशन स्नैक के लिए।
उसके बाद मैं निकल गई थी स्नैक को ढूंढने। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो अभी है मेरा स्नैक टाइम। तो अब अंकल से आप पूछते हैं वो हमें फ्री में देंगे या फिर नहीं। आप मुझे फ्री में दे सकते हो एक आइसक्रीम? अभी नहीं दे सकता। 10 वाला ही दे दो, सबसे सस्ता दे दो जो है। नहीं दे सकते प्लीज? अभी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अंकल ने तो मना कर दिया, तो अभी स्नैक के लिए कहीं और चलते हैं। फ्रेंड्स अंकल बुला रहे वापस। क्या खाओगे बुढ़िया? कुछ भी दे दो जो आपको मन है। कौन खाओगे? हाँ कौन सही है। तो गाइस हमें मिल चुके फ्री की कोन आइसक्रीम, और वो भी फ्री में, और अंकल ने हमें वापस बुला लिया था, तो अभी इसे खाते हैं। सो गाइस अब इस कोन को टेस्ट करते हैं। बहुत ठंडा है, ठंडियों के टाइम में मैं आइसक्रीम खा रही हूँ स्नैक में। और बहुत टेस्टी भी है, और फ्री में जो मिली है तो टेस्टी और ही होगी। फ्रेंड्स मैंने आइसक्रीम फिनिश कर ली है, तो अब मिलते हैं डायरेक्ट डिनर टाइम पर, देखते हैं डिनर में हमारा क्या होता है। फ्रेंड्स इस बार मुझे डिनर की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है। अभी था मेरा डिनर टाइम, तो डिनर के लिए मैं आ चुकी हूँ अपनी सोसाइटी के सामने वाली कार्ट पर, जहाँ पर मैं यूजुअली आती हूँ। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमें फ्री फूड मिल जाएगा, तो एक भैया से रिक्वेस्ट करके देखते हैं वो हमें कुछ भी दे दें फ्री में, ताकि मेरा थोड़ा सा पेट भर जाए। भैया वो मैं शानवी हूँ, वो के हाँ मेरा एक 24 आवर्स का चैलेंज चल रहा है, जहाँ मुझे 0 रुपीज़ में बिता रहा है, तो आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं प्लीज? मैं क्या आपकी डेली की ग्राहक हूँ, रोज आती हूँ। फिर बेटा सामान का तो पैसा लगता है ना, थोड़ा सा कुछ भी खुद तो लाना पड़ेगा बेटा पैसा। मेरे पास पैसे ही नहीं है ना 24 आवर्स के लिए, और घर का मैं खा नहीं सकती हूँ, ये घर में तो फ्री का ही मिलता है प्लीज। सामान का तो पैसा लगता है बेटा, थोड़ा सा कुछ भी प्लीज। चलिए थोड़ा सा दे देते हैं आपके लिए। थैंक यू भैया, आपके लिए चावल कर देते हैं ना। ठीक है। और फ्रेंड्स इसी के साथ हो चुका था हमारा डिनर का इंतजाम, और भैया के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। और फ्रेंड्स फ्री में भी मैंने पूरा डे गुजार लिया है, वैसे इस चार्ज में मजे तो बहुत आ रहे हैं, पर स्केटिंग करने में ज्यादा मजे नहीं आ रहे। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा 0 रुपीज चैलेंज अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल जानवर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। हाँ गाइस तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको अगला वीडियो बड़ा चैलेंज कौन सा चाहिए। बाय।